हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यादवेंद्र चौहान। भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों का जो हमें ध्यान रखनी चाहिए गाड़ी चलाते समय, और वो हमारी एवरेज को भी इंक्रीज करती है। ये लगा लो कि मैं बात करूँगा कि एवरेज कैसे इंक्रीज करें, कि भाई माइलेज एक लीटर में, जैसे अब ये तो CNG में, मेरी तो 1 किलो में कितनी चलेगी, उस हिसाब से ऐसी कुछ चीज़ें बताऊंगा टिप्स आपको कि हाँ भाई एवरेज फ़र्क पड़ेगा उस पर, बिल्कुल आप ये चीज़ करके चलोगे तो। जैसे कि भाई हम ऐसे चला रहे हैं, ना कोई ध्यान दिया, सर्विस आई तो सर्विस करवा ली, बस इतना ही कुछ कर लिया। नहीं, सर्विस कराना ही एक पूरी वो नहीं है कि टाइम टाइम सर्विस करा ली, उसके बावजूद भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तभी माइलेज इंक्रीज होती है। और ड्राइव करते समय नेचर भी देखा जाता है कि भाई ड्राइव कैसे करनी है, किस हिसाब से कर रहे हो, हार्ड एक्सेलरेशन और ब्रेक प्रेस, तेज एकदम से तेज, एकदम से डाउन, नहीं तो एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारे टायर प्रेशर बिल्कुल ठीक है। भाई नॉर्मल तो हम हवा डलवा लेते हैं कि 35, भाई 35-35 कर दे, और वो पंप वाला भी हमें 35-35 करके दे देता कि लो सर आपकी हो गई। नहीं, जैसे पहले इसमें लिखा हुआ होता है बाकायदा अपने पास, जैसे इसमें लिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है टायर की प्रेशर, जैसे आपको क्या बताऊँ, इधर लिखा हुआ होता है, ये लिख रहा, देखो हाँ ये लिख रहा, इस पे आप ये रहा टायर प्रेशर, फ्रंट का और रियर का, देखो देखो फ्रंट में होनी चाहिए 36 और रियर में 32, ऐसे ही होनी चाहिए। और टायर सेक्शन भी लिख रहा है, जैसे कि R14 का 36 और 32, वही है भाई। इसमें 13 आते हैं और टॉप मॉडल चला जाता है उसमें, तो उसमें 14 आते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों लिख रखा है। पहली बात टायर प्रेशर हो गया। दूसरी बात भाई, हम एवरेज बढ़ाने के लिए भाई शीशे खोल लेते हैं अपने, भाई शीशे डाउन कर लो, ऐसी नहीं चलानी, शीशे डाउन कर लेते हैं। पर ये अपने पास गलत फहमी है कि भाई शीशे डाउन कर लिया, एसी नहीं चलाई तो भाई एवरेज बढ़ जाएगी, बिल्कुल गलत बात है। इंडियन की मेंटिलिटी है भाई एसी की, एसी बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता, बल्कि अपनी एवरेज हल्की सी मान लो तो क्या बढ़ी, मतलब हल्की सी 1% मान लो तो क्या बढ़ी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इससे एयर डायनेमिक और ख़राब होती है, सारी हवा अंदर जाएगी और एवरेज भी बेकार, बिल्कुल ना एसी ना एवरेज की एवरेज बढ़ी, दुगना नुकसान। दो, तीसरी बात, अब हम भाई अपनी सर्विस करवा ली, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है भाई, कई बार तो कंपनी वाले भी नहीं देते ध्यान। बोनट खोल के दिखाता हूँ आपको, ये बोनट में, इसमें हमें ये होता है पीला, ये इसको हमें खोल के ये भी चेक कर लेना चाहिए टाइम टू टाइम के भाई हमारा कितना ऑयल ब्लैक है, ठीक है। सर्विस वाले तो सर्विस करके देते, हम फिर बाद में चेक नहीं करते रहे, भाई 10,000 रुपये करवा लिया, उससे पहले भी अगर आप रफ यूज़ कर लोगे तो भी हो जाता है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि भाई ये ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, उसके हिसाब से ठीक है। अब कर दिया बंद। और एक चीज़ और, जैसे कि हम भाई अब ड्राइव कर रहे हैं, स्लप मारा अब चल रहे हैं, चल दिया फर्स्ट गियर लगाया, चलो अब ऐसे उठाएंगे कहीं तो चलो भाई एकदम तो व्हील स्पिन भी हुआ और ऐसे मतलब बेफालतू की तरह ऐसी खींच दी, नहीं अपने भाई ड्राइविंग एक्सपीरियंस को भी चेंज, मतलब जो ड्राइविंग हैबिट को भी चेंज करना पड़ता है कि भाई आराम से चलाओ। अब जैसे कि आराम से उठाया, ये लो आराम से उठाया, आराम से चल रहे हो, RPM भी हाई मत उठाओ कि भाई कोई तो RPM हाई उठा देते हैं कि भाई ये RPM भी हाई है, और ये भी दिखा रहा है, जैसे इसमें दिखा देता है कि भाई कब गियर चेंज करना है, इसमें आ जाएगी, देखो ये आ गई, जैसे ये आपका निशान आ गया, देखो मैं मन कम करूँगा तो गया, और ये देखो इधर आ रहा है, आप ये आ रहा है, अब देखो ये गया कम करो, तो ये गियर भी बताता है कि अप करना है डाउन करना है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ता है।
अब कई पागलों की तरह भाई चला रहे गियर भी चेंज नहीं कर, तीसरे में खींच रहे 100 सीधा, उससे भी इफेक्ट पड़ता है माइलेज का। हैबिट खुद के अंदर भी हैबिट भाई, आराम आराम से एक्सेलरेशन करो, आराम से भगाओगे एकदम भगाओगे फिर एकदम सडन ब्रेकिंग, ऐसे तो गाड़ी की भी कंडीशन खराब होती है और माइलेज तो ड्रॉप होगी। और अंदर वो अभी मैंने बताया था उसका भी नुकसान होगा भाई, ऑयल भी जल्दी चेंज होगा, टाइम से पहले सर्विस मांगेगी आपकी गाड़ी, 10,000 है 8,000 पे ही ऑयल चेंज मांग जाएगी, तो फिर 2,000 फिर उसके नुकसान में चलाएंगे अपन। ऐसे फिर उस ऐसे बढ़िया है ना कि प्यार से करे, प्यार से एक्सेलरेशन करे, प्यार से ब्रेकिंग करे, ठीक है। ये कुछ बातें थी एवरेज और माइलेज इंक्रीज करने की, मैंने बताया आपको। अब जैसा भाई एक और बात रह गई थी वो और बता देता हूँ आपको, जैसे कि अब हम गाड़ी में अननोन वेट रख लेते हैं भाई, ऐसे ही कुछ पड़ा है पीछे डिग्गी में रखा हुआ है भाई रख लिया कोई ऐसे, अब तो फिलहाल तो जैसे गाड़ी है बड़े बैग रख के चल रहे हैं ऐसे ही अननोन, और वेट जितना वेट कम रखोगे ना आप गाड़ी में भाई, कम वेट रख रखा है और टाइम। अब जैसे ये CNG में है, अब मैं इसकी टंकी फुल करा लूं, इसमें 30-40 लीटर तो आएगा, और चलानी मेरे को गैस में ही है, वो 40 लीटर तो ऐसे ही एक सवारी मतलब जैसे कि एक पर्सन तो हमेशा इसमें बैठा ही रहेगा। फिर उसके अलावा पहले तो सिलेंडर का वेट हो गया गैस का, उसके बाद ये 40 किलो और बढ़ गया, तो इसलिए जितना कम से कम वेट रख सकते हो और गाड़ी में उतना वेट कम से कम और रखो, ये और थी। तो भाई कमेंट भी कर देना अच्छी लगी है तो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मेहनत लगती है भाई, थोड़ा अगर ग्रो करोगे तो हमें भी फायदा मिल जाएगा, आपकी अच्छे लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।